सीबीएसई क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तुम्हें क्या बनना है, बताना है इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये तो सारा टेबल दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये जो हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है और हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। सबसे पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो मैं बाई एक्सिस पे क्या लिखाता हूँ, लाइफ टाइम इन आवर्स और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ लैंप। तो अपना वाई एक्सिस पे क्या है, लाइफ टाइम, ठीक है, वो किस पे, वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस में मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ लैंप्स इन वाई एक्स, ठीक है। और स्केल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो वन यूनिट स्केल में ड्रॉ करना है तो वो इक्वल टू मैं 10 लैंप्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब हिस्टोग्राम कैसा होगा, ये कुछ अपना कर्व बन रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया लाइफ टाइम, ये नंबर ऑफ लैंप्स। अब सबसे पहले वाले के लिए कितना दिया हुआ है, 300 टू 400 के बीच में दिया हुआ है 14 लैंप्स। तो मैं सबसे पहले यहां पर लैंप्स लिख लेता हूं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। अब सबसे पहले 300 के लिए, 300 टू 400 के लिए कितनी लैंप्स है, 14 लैंप्स। तो मैं यहां से शुरू में तो ग्राफ है नहीं, लैंप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 300 से, यहां से ये आ जाएगा। उसका 56 लैंप है कितने के लिए, सेकंड वाले के लिए, ये 56 वाली लैंप का हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए कितनी है, नेक्स्ट वाले के लिए 60, नेक्स्ट वाले के लिए 86, 80 और 90 के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद 74 जो कि 60 और 70 और 80 के बीच में होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद 62, 60 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद 48 जो कि 50 से थोड़ा सा कम होगा। तो ये अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, ये 300, 400, 5, 6, 7, 800, ये 900 और लास्ट में 1000, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि 700 और 800 से मोर देन कितने लैंप्स हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल में भी साफ दिख रहा है, 700 सुपर वाले कितने हैं, 74 प्लस 62 प्लस 48। तो सेकंड वाले के लिए कितने हैं, 74 प्लस 62 प्लस 48 कितने हो जाएंगे, सेकंड वाले का आंसर 184 लैंप्स ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू 700 से ऊपर होगी, ठीक है, 700 आवर्स। तो ये अपना आंसर हो गया सेकंड वाले का, बस हमें यही बताना था और हिस्टोग्राम बनाना।